व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड इस वीडियो में बेसिकली सब अपडेट है कि क्यों बना रहा हूँ, क्या कर रहा था एंड मेरी शोल्डर इंजरी, वर्कआउट और मेन पार्ट डाइट, इसमें सब कुछ है। मैं लीन बल्किंग कर रहा हूँ अभी और वीडियो में मैंने बताई है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। मैं मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट एक डिटॉक्स जूस पीता हूँ एंड उसकी रेसिपी मैंने दिखा रखी है, अगर कॉपी करनी हो तो काफ़ी सही रहता है वो। सो आफ्टर डिनर हम सीधा सुबह खाते हैं एंड उस टाइम हमारी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है जिसमें वो एनर्जी डिप्लीट कर रही होती है एंड उसे तोड़ के हमें एनाबॉलिक स्टेट में जाने के लिए अपनी फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए कि हम उस स्टेट को तोड़ के एनाबॉलिक में आए और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करे। इस वीडियो में जितनी भी मील्स हैं आप उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। डेज में मेरी डाइट में 5 मील्स होती ही होती हैं जिसमें एक ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद एक छोटी सी मील और देन लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर और कभी कभी मैं लेट नाइट स्नैक भी बना लेता हूँ जब मेरी कैलोरीज पूरी नहीं होती हैं। ज़्यादातर वो कॉलेज के डेज पे होता है, घर पे ऐसे नॉर्मली नहीं। और अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो कॉलेज से छुट्टी मिल रखी है, बट जब मेरे को जाना होता है तभी भी मेरी मील चेंज नहीं होती, डाइट स्ट्रिक्ट ही रहती है, मैं वही खाता हूँ सेम टू सेम, बस ऑर्डर बदल जाता है ऊपर नीचे, बाकी मेरे को उसमें भी कैलोरीज कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड अभी तो छुट्टी है तो बहुत इजी लगता है घर पे बैठे बैठे काम करना, सब इजी। मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक और मील लेता हूँ बनाना शेक, जिसकी रेसिपी मैं अभी आपको दिखाई दूंगा और लिख दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे कितना कितना क्वांटिटी है सबकी। मैंने अभी अपनी डाइट में सत्तू ऐड किया है, ये बहुत एक अंडररेटेड सी चीज़ है। सो अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ एंड अब टाइम हो गया है लंच का, सो मैं खाऊंगा वाइट राइस, मैश्ड पोटैटो एंड दाल। सो दोपहर की जो मेरी लंच टाइम की मील है उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, तो वो मैं एक तरीके से प्री वर्कआउट मील होती है, अच्छे से कार्ब्स लोड करना ये सब। बट अभी मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मेरे को शोल्डर इंजरी है, सो मैं अपनी मील्स वही रखता हूँ प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में जो मैं खाता था अंडे, और बस वर्कआउट वाला टाइम चेंज हुआ है, उस टाइम मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ कभी कभी।
कोई बात पता चली कि प्रोटीन पाउडर ही सब कुछ नहीं है या इस पर रिलाई होना सप्लीमेंट्स पे, आप अपनी नॉर्मल हेल्दी डाइट रखोगे तभी भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, नई प्रोटीन पाउडर खाता हूँ कभी कभी, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो एक चीज़ पर रिलाई मत हो। और अभी मेरे फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं तो कॉलेज से छुट्टी मिल रखी है, बट जब मेरे को जाना होता है तभी भी मेरी मील चेंज नहीं होती, डाइट स्ट्रिक्ट ही रहती है, मैं वही खाता हूँ सेम टू सेम, बस ऑर्डर बदल जाता है ऊपर नीचे, बाकी मेरे को उसमें भी कैलोरीज कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड अभी तो छुट्टी है तो बहुत इजी लगता है, घर पे बैठे बैठे काम करना सब इजी। सो मैंने गलती कर दी, मैंने अभी देखा कि ये सारे वीडियोस अभी वाली 4K बना दी मैंने गलती से, और पहले वाली 1080 में थी, तो जो पहले वाली थी वो तो कम ही स्पेस की थी, बट ये बहुत स्पेस लेगी, 20-30 GB। चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कैलोरी ट्रैकिंग, आप क्या कितना खा रहे हैं अमाउंट में आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड, हर एक मील में प्रोटीन अपना ज़्यादा ही रखो कंटेंट, बिकॉज लोग इनफ प्रोटीन नहीं लेते हैं तो मसल गेन कैसे होगा, मसल तो लॉस होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है, ऐसे बल्किंग में नहीं खाते रहना है, ज़्यादा जंक फूड ये सब अवॉइड करो, नॉर्मल ज़्यादा खाओ हेल्दी फूड। एंड मास्क गेनर बिल्कुल यूज़ मत करना, मास्क गेनर सुपर मास्क गेनर, क्योंकि पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड धीरे धीरे वेट सबका बढ़ता है तो वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो अगर मैं रिकवरी प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे शोल्डर का जब एक्सरे हुआ था तो इसमें पता चला था कि एक टेंडन ब्रोकन है, बट आफ्टर MRI पता चला कि एक आर्टरी भी आई गैस जो एल्बो तक इन्फ्लेमेट हो गई थी, तो उसकी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और रिपेयरिंग के लिए अभी मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ। 12-15 दिन हो चुके हैं मेरे को, तो पहले से काफ़ी रिलीफ है, बट होप कि जल्दी रिकवर हो जाए, बिकॉज जिम ना जाना इस आई कांट कंट्रोल, बिकॉज मैं रोज़ जिम जाता था तो मेरे लिए बहुत हार्ड है। सो BMI, VMR और TDEE, मैंने इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उसको बस खोलना है, अपना हाइट वेट भरना है और क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा, और अगर आपको बल्क करना हो तो उसमें 300-400 कैलोरीज बढ़ा लो, और कट करना हो तो कम कर लो, धीरे धीरे करना, 250, 300, 400, 500 ऐसे।